जय श्री कल्कि, जय सियाराम, जय हनुमान। आप सभी को रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज का मेरा वीडियो एक अलग ही टॉपिक को लेकर। आज के ज़माने में यदि इंसान के पास पढ़ाई लिखाई की डिग्री ना हो, एकेडमिक क्वालिफिकेशन ना हो, तो जॉब मिलने में बहुत तकलीफ होती है। कारण सबसे पहले डिमांड किया जाता है आपकी एजुकेशन क्या है। अगर आपको जॉब करनी है कहीं पर भी, किसी भी फील्ड में, या आपको मिनिस्ट्री में भी जाना है, तो पढ़ाई लिखाई तो बेहद ज़रूरी है। लेकिन आप कहेंगे बिजनेस करने में पढ़ाई लिखाई का क्या काम। जी हाँ, भले ही आप MSc BEd ना हो, भले ही आप डॉक्टर्स इंजीनियर ना हो, लेकिन पढ़ाई लिखाई कहीं भी बेकार नहीं जाती है। हिसाब किताब बिजनेस में भी, कैलकुलेशन बिजनेस में भी करना पड़ता है। तो आज हमारे देश में इलिटरेसी बहुत कम रह गई है। शायद ही कुछ लोग ऐसे बचे होंगे जो अभी भी अंगूठा छाप है और साइन करना उन्हें नहीं आता है। अन्यथा सभी लोग आज क्वालिफिकेशन बढ़ाने में अपनी शान समझते हैं। लेकिन सब लोगों का क्वालिफिकेशन रह गया एक तरफ, भगवान कल्कि जिनके पास कोई भी एकेडमिक क्वालिफिकेशन नहीं, ना ही डॉक्टर ना ही इंजीनियर, फिर भी हैं वो सुप्रीम कंट्रोलर। जी हाँ, पूरे यूनिवर्स के पालनहार, हर तरफ चौकन्नी निगाह रखने वाले, पल पल की खबर रखने वाले, और कब किस समय किस काम को करना है, हर युग में श्रीहरि आते हैं एक नया अवतार लेकर। क्योंकि उस युग की जैसी डिमांड होती है, श्रीहरि अपने आप को उसी प्रकार तैयार करते हैं। तो भगवान कल्कि के पास भी ना MBBS की डिग्री, ना ही इंजीनियरिंग की डिग्री, ना ही वो PhD, लेकिन फिर भी वो हैं युग परिवर्तन करने के लिए धरा पर आए हुए वो सुप्रीम कंट्रोलर, जिनके हाथ में पूरी कंट्रोलिंग पावर है। जी हाँ, बिना उनके आदेश के धरती पर एक पत्ता भी यहाँ से वहाँ हिल नहीं सकता, क्योंकि उनका आदेश नहीं है। कल्कि सेना भी उनके ही आदेश का पालन करती है। जैसा उनका आदेश, उसी प्रकार का कार्य कल्कि सेना में जितने लोग हैं वो करेंगे। लेकिन इसके साथ ही यूनिटी बहुत ज़्यादा मायने रखती है। अपने जीवन के माध्यम से, कल्कि सेना के माध्यम से, वो दुनिया को बतला रहे हैं कि कभी भी यदि हम यूनाइटेड रहते हैं तो दुश्मन भी हमें हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। इन यूनिटी नहीं थी, इसी के लिए रावण मारा गया। अगर विभीषण ने घर का भेद राम जी को नहीं बताया होता, रावण का रहस्य नहीं बतलाया होता राम जी को, तो रावण को मार पाना राम जी के लिए भी बेहद मुश्किल था, या यूं कहिए नामुमकिन था, जबकि वो अवतार थे। लेकिन खैर, ये तो लीला थी, नियति में जो लिखा था वो होना था, और उसी प्रकार की तैयारी राम जी ने भी की थी। तो भगवान कल्कि अपने सभी भाइयों के साथ यूनिटी में, क्योंकि उनके भाई जो होंगे डेमी गॉड्स होंगे। तो मेरा कहने का अर्थ ये है कि कोई भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन उनके पास नहीं, कोई भी स्कूल नहीं, कॉलेज नहीं, यूनिवर्सिटी नहीं, लेकिन उनकी शिक्षा आम इंसान से कहीं अलग। मानव अवतार हैं, लेकिन उनकी शिक्षा ऐसा नहीं कि उनको ऐसे ही युग परिवर्तन के लिए भेज दिया गया धरा पर, नहीं। उनके गुरु परशुराम, जो स्वयं नारायण हैं, उन्होंने अपने शिष्य जो कि नारायण का स्वरूप कल्कि हैं, उनको अस्त्र और शस्त्र दोनों का नॉलेज दिया। इसे कहते हैं वैदिक शिक्षा। पहले के ज़माने में गुरुकुल में लोग जाते थे, पांडवाज ने, कौरवाज ने इसी प्रकार की शिक्षा ग्रहण की थी। पहले के ज़माने में शिष्य जाते थे गुरुकुल, वहाँ जाकर अपने गुरु से वो शिक्षा लेते थे। तो भगवान कल्कि को भी परशुराम ने भले MBBS की डिग्री, PhD नहीं करवाया और उन्हें यूनिवर्सिटी की कोई डिग्री नहीं दी, लेकिन अस्त्र और शस्त्र का ज्ञान एवं युग परिवर्तन किस प्रकार करना है, मिशन में कब किस समय कौन सा पैतरा आजमाना है, कौन सा अस्त्र किस मंत्र से चालित होगा। जी हाँ, हर अस्त्र का अलग अलग मंत्र, हर मंत्र को उच्चारण करने का सही तरीका, वो
परशुराम ने उन्हें सिखाया एवं कैसे अस्त्र चलाया जाता है उसका भी उन्हें ज्ञान दिया। तो अस्त्र और शस्त्र का ज्ञान भगवान कल्कि को एवं सनातन परंपरा सनातन का ज्ञान, सनातन यानी वो सत्य आज भी जिसकी बातें तो लोग करते हैं लेकिन इससे अनभिज्ञ हैं। तो भगवान कल्कि चूंकि सुप्रीम कंट्रोलर हैं इसलिए उन्हें हमारी तरह नौकरी तो करनी नहीं है या मिनिस्ट्री में तो जाना नहीं है, उनकी अपनी अलग मिनिस्ट्री चलती है, उनका अपना अलग कामकाज चलता है। तो उनको उसी तरीके से तैयार किया गया मानव अवतार के रूप में ताकि वो युग परिवर्तन को सूक्ष्म रूप में ही सही अदृश्य होकर सही तरीके से कर सके और किसी को कानों कान खबर भी ना हो। कितनी अजीब बात है, क्या इस तरह से एक इंसान जो कि मानव अवतार है बिना एकेडमिक क्वालिफिकेशन के भी इतना नॉलेज रखता है? जी हाँ, यही तो है अचरज की बात और यही है हमें डालती है आश्चर्य में। यही इन्हीं बातों से हम आश्चर्यचकित होते हैं कि किस प्रकार भगवान शिव, ब्रह्मा जी, विष्णु, त्रिदेव कहाँ से लाते हैं वो पावर, कैसे आती है उनके पास वो एनर्जी कि सब कुछ वो जान जाते हैं और तीनों मिलकर इस ब्रह्मांड को कितनी अच्छी तरह चला रहे हैं। कब किसे खत्म करना है, कब किसे धरती पर भेजना है, किस तरह से युग परिवर्तन का कार्य करना है, भगवान कल्कि और त्रिदेव से बेहतर कोई नहीं जान सकता। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।